हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बेटा तुम मुझसे भी नाराज हो? नहीं अम्मी, आपसे कैसे नाराज की? तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की और जाते हुए मुझसे मिलकर भी नहीं गई हो? अम्मी जब इंसाफ नहीं होता तो दिल दुखता है। अतिया गाला के साथ अब्बू के रवैये पे मुझे बहुत दुख हुआ। बेटा तुम अभी भी उनसे नाराज हो क्या? नहीं होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। अतिया अपनी सास के साथ आई थी। अशरफ का अतिया के साथ बहुत अच्छा रवैया था। अरे यूं लग रहा था जैसे कभी उनके दरमियान लड़ाई नहीं हुई। ये कैसे हो सकता है अम्मी? हो तो बहुत कुछ सकता है। नूर और अतिया की सुलह भी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती? हो सकती है। एडम फारूकी ने करवा दी। अच्छा? हाँ बेटा, और भी बहुत सी बातें, लेकिन जब तुम यहाँ आओगी तब हम बातें करेंगे। मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना रही हूँ। आज रात का खाना तुम और जुनेद हमारे साथ खाओगे। अम्मी आज जरा मुश्किल हो जाएगा आना। अरे कोई मुश्किल नहीं, बस आना है तो आना है। ठीक है बेटा, अब मैं फोन रखती हूँ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। जुनेद को कैसे राजी किया जाए? ऐसा आप उसको तजुब क्यों है, कुछ तो बोलो। मेरे पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। क्यों, ऐसा क्या होगा? काश काश हम कभी ना मिले होते। लेकिन क्यों, हम तो एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। यही तो धोखा हुआ है। इस धोखे में भी रहने नहीं दिया गया। पूरी जिंदगी इस धोखे में रहना चाहता था मैं। असल कौन सा धोखा, मुझे खोल के बताया। मुझे लग रहा है किसी ने आपको मिसगाइड किया है। जितनी तुम खूबसूरत हो ना, उतनी बड़ी झूठी भी हो। झूठी मैं? आप भी जठानी की बातों में आ गए। नहीं, मुझे ये सब जुनेद ने बताया। अरे वो झूठ बोलता है। वो झूठ बोल रहा है, पर नूर मैडम साहिबा तो सच बोलती है ना। एक मिनट सुनिए। I love you जुनेद। बस मैंने फैसला कर लिया, अब हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। नहीं 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 अरसम, ये सब मैंने उसके साथ मजाक में किया था। वो उस कमबख्त ने मुझे ब्लैकमेल किया था और मेरी आवाज रिकॉर्ड कर दी। इस फोन में तुम्हारी और जुनेद की तमाम तस्वीर, तुम्हारे एसएमएस, तुम्हारे व्हाट्सएप के वॉइस नोट्स मौजूद हैं। आज शाम में ना घर में एक बहुत बड़ी तकरीब होगी जिसमें तुम्हारे और मेरे घर के तमाम मेम्बरान शरीक होंगे और उन सब के सामने एक बड़ी स्क्रीन पर तुम्हारा असल चेहरा दिखाया जाएगा।